हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीरजा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दुनिया की खूबसूरती यदि हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? और ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता है कि इतनी खूबसूरत दुनिया है उसका मजा ले सके, उसका हर वक्त आनंद उठा सके। हर कोई चाहता है कि वो इस खूबसूरत दुनिया की खूबसूरती का मजा ले सके, अपने सारे गम, अपने सारे दुखों को भूल जाए। और ये संभव है। हमको लगता है कि ये संभव नहीं है, लेकिन ये है और बहुत आसान है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो यदि हम चाहते हैं कि दुनिया की खूबसूरती हम नजदीक से देख पाएं, उसको अंदर से महसूस कर पाएं, हम उसके साथ खुश हो पाएं, तो इसके लिए हमको कुछ चीजें आजमानी पड़ेगी, अपने जीवन में कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। और वो है अपने ऊपर ध्यान देना। हमको अंदर से खुश रहना चाहिए, हमको अंदर से खुशी महसूस हो। और वो कैसे होगी? अपने जरूरी काम जो हमारे होते हैं उनको करना जरूरी है, और वो जिम्मेदारियां जब हम निभा लें जो हमारी दिनचर्या में आती हैं जरूरी काम निपटाने की, लेकिन इसके बाद हमको अपने ऊपर समय देना चाहिए। सुबह भी समय निकालना है, शाम को भी निकालना है, रात में भी निकालना है, अपने लिए समय देना है। इतना समय देना है अपने लिए कि हमको कोई भी दुख अंदर से हिला ना सके, हमको हर चीज में खुशी महसूस हो और दुख तो ऐसे हमको छू करके निकल जाए और हमको पता ही ना चले। हम उसको सामान्य तौर पर लेना शुरू कर दें, उसको किसी बड़ी घटना की जैसा हम ना देखें। जैसे कुछ सामान्य सा होता है कि घर में एक कप टूट गया है यदि, तो हम उस पर इतना ज्यादा दुखी नहीं होते। इसी तरह हमको हर घटना बड़ी से बड़ी घटना, क्योंकि वो तो हो चुकी है और जो होना है वो तो हो करके रहेगा, लेकिन हमको अब अपनी आदत में ऐसा कुछ शामिल कर लेना है कि हम इफेक्टेड ना हो, हमको उस दुख से इतना ज्यादा तनाव महसूस ना हो कि वो हमको पीछे खींच दे। उसके लिए हमको क्या करना है? कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी आदत में बदलाव लाना है, तो इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। तो हमको अपने लिए ये करना है कि हम सुबह उठें, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, योगा और व्यायाम करें, और सबसे बड़ी बात हमको खाने पीने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो कि सेहतमंद हो। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन जो हमारे घरों में हैं, जिनमें कि हमको कुछ पैसा नहीं लगता है और वो बहुत सेहतमंद होती है। जैसा पुराने टाइम पर लोग खान पान करते थे वो ज्यादा सही था। तो हम जब हमारी सेहत अच्छी होगी, हमारी दिनचर्या अच्छी होगी, अंदर से हमको अपने आप को ये सिखाना है कि हमको किसी भी दुख से दुखी नहीं होना है, और इसकी हमको आदत डालनी पड़ेगी। हमने दुख ही होने की, हमने डरने की आदत जो डाल ली है उसको हमको अपने अंदर से हटाना होगा, तभी हम इस दुनिया की खूबसूरती का आनंद ले पाएंगे। अदरवाइज हम कहीं का भी रिजर्वेशन करा के घूमने चले जाएं, लेकिन ना तो हम वहां पर खुशी महसूस कर पाएंगे ना अपने घर में आकर के लौट कर। तो केवल अपने लिए हमको खुश होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की, और वो जरूर संभव होगा यदि हम अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे, अपनी सोचने की जो हमारी स्थिति है उसको बदलेंगे। हमको अपने आप से बातें करनी होगी, हमको अपने को सिखाना होगा कि ये सब चीजें हमको अंदर से इफेक्टेड ना करें, हम अंदर से इतने ज्यादा कमजोर जो हैं वो नहीं होना है। हमको दुख आया है तो उसका हमको हल निकालना है, उससे हमको टूटना नहीं है।
जब हम ये सब चीजें सीख जाएंगे अपनी लाइफ में, तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत है कि इसका हम घर बैठे ही मजा ले पाएंगे। हम कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन खुशी हमारे पास हर वक्त होगी। और इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं उसका हम अनुभव कर पाएंगे। छोटी से छोटी चीज में जब हम खुश होना शुरू कर देंगे तो हमको हर वक्त खुश रहने की आदत होगी, और उन खुशियों को हम महसूस कर पाएंगे कि हमारे चारों तरफ दुख नहीं, केवल खुशियां बिखरी हुई हैं। तो इसको हमको अपनी आदत में जरूर शामिल करना है। और हाँ, आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।